मैं धीरेन्द्र प्रसाद भगत सभी प्रखंडवासियों एवं पंचायतवासियों को ईद के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे मधेपुरा जिला के पुरैनी थाना क्षेत्र, जहां बकरी चराने गई तीन बच्चियों की तालाब में डूब के हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। मधेपुरा के पुरैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बंस गोपाल पंचायत के ग्राम चटनावा वार्ड नंबर 8 में वहां बीते दिन शुक्रवार के शाम बकरी चराने गई तीन बच्चियों की तालाब में डूब के मौत हो गई। घटना पुरैनी थाना क्षेत्र के गोपाल पंचायत के चटनामा वार्ड नंबर 8 के पोखरिया बहियार की है। तालाब किनारे बकरी चरा रही बच्चियों में से एक का पैर फिसल गया और वह तालाब में डूबने लगी। तभी दूसरी लड़की पहली वाली लड़की को बचाने लगी और वो भी डूबने लगी। फिर तीसरी बच्ची दोनों को बचाने के चक्कर में अपनी जान भी गंवा दी, यानी एक के एक करके तीनों गहरे पानी में समा गई। सूत्रों के अनुसार मृतकों की पहचान सुनील मंडल की 14 वर्षीय बेटी ललिता कुमारी, अनिल मंडल की 12 वर्षीय बेटी आरती कुमारी व नकुल मंडल की 11 वर्षीय बेटी सोनी कुमारी के रूप में की गई है। शाम में तीनों का शव तालाब से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही पुरैनी थाना के ASI राकेश सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और आते के साथ ही घटना की जांच में जुट गए। देर शाम तक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां बकरी चराने गई थी बहियार, जिसमें सहेलियों के साथ बीते शुक्रवार दोपहर को करीब 3 बजे पोखरिया बहियार में बकरी लेकर पहुंची। सभी बच्चियां बने निजी तालाब के किनारे बकरी चरा रही थी। इसी दौरान सोनी का पैर फिसल गया और वह पोखर में गिरने लगी। सोनी को बचाने के प्रयास में ललिता और आरती भी सोनी के साथ तालाब में समा गई। इसी बीच वहां खड़ी और बच्ची ने हल्ला करने लगी और घटना की सूचना गाँव में जाकर परिजन को दी। घटना के जानकारी मिलते ही परिजन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीण ने जब तक पानी में डूबे तीनों बच्चों को बाहर निकाला, तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। एक साथ तीन बच्चों की मौत की खबर सुन इलाके में सनसनी फैल गई। सभी ग्रामीण शोक में डूब गए। तीनों बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। ग्रामीण भी इस माहौल में गमगीन हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अंचलाधिकारी तवीस हसन मौके पर पहुंचे, मृतक के परिजनों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं पुलिस प्रशासन भी मौके पर कैंप करती रही। स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीण का जमावड़ा लगा रहा। इस संबंध में अंचलाधिकारी तवीस हसन ने बताया कि मृतक के बच्चों के घर पहुंचकर मैंने स्वयं घटना की संबंधित जानकारी ली है। परिजनों को सरकार द्वारा 4-4 लाख रुपए की मुआवजा दिलाया जाएगा। अब देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो कर लीजिए और लाइक भी कर दें। MS परदेसी आपका सदा आभारी बना रहेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बच्चा